बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम 10 को हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वैन हॉर्न की बुक है, फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो स्टार्ट करते हैं जी प्रॉब्लम 10 को, बुक से रीड आउट करता हूँ, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। सपोज यू आर टू रिसीव $1,000 एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। 10 साल के बाद आप 1,000 रुपये लेंगे। इफ़ यूर अपॉर्चुनिटी रेट इज 10%, वट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस अमाउंट इफ़ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है, फ्यूचर वैल्यू गिवन है, एनुअली, क्वार्टरली एंड कंटिन्यूसली। ठीक है, तो सबसे पहला केस जो है वो है कि एनुअली अज्यूम करना है कि अगर कंपाउंडिंग एनुअली हो रही हो, तो डेटा आपके पास गिवन है, फ्यूचर वैल्यू फ्यूचर वैल्यू गिवन है $1,000, इंटरेस्ट रेट जो है वो है 10%, नंबर ऑफ इयर्स है हमारे पास एन 10 ईयर्स, तो प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड करनी है। 3 डिफरेंट केसेस हैं हमारे पास। पहला है कि अज्यूम करें एनुअली, दूसरा हमारे पास है क्वार्टरली, नंबर 3 पे हमारे पास कंटिन्यूअसली। 3 केसेस हैं हमारे पास। तो सबसे पहले एनुअली को सॉल्व करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला आना चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस i रेज टू पावर n, या टेबल से भी करना चाहें टेबल से भी कर सकते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू n कितना है, फ्यूचर वैल्यू हमारे पास है $1,000, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट भी 10% है, नंबर ऑफ ईयर्स भी कितने हैं 10, तो 1,000 डिवाइडेड बाई 1.10 की पावर 10। तो सबसे पहले 1.10 की पावर 10 करेंगे, उसके बाद 1,000 जो है आपका उसके ऊपर डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी $386। ये क्या आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, इसका भी आप जब एनुअली ना हो तो क्वार्टरली, सेमी एनुअली या मंथली हो, तो फिर हम फार्मूले को थोड़ा चेंज करते होते हैं। सबसे पहले मैं फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लिख रहा हूँ, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, फ्यूचर वैल्यू एन इज इक्वल टू, अगर नहीं पढ़ा तो इधर चैनल पे क्वार्टरली सेमी एनुअली के नाम से एक लेक्चर है, उसको आप सर्च करके देख सकते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 1 प्लस i ओवर m की पावर m मल्टीप्लाई बाई n, ये फ्यूचर वैल्यू क्या है, लेकिन हमने क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है। तो उसका फार्मूला क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस i ओवर m की पावर m मल्टीप्लाई बाई n। फ्यूचर वैल्यू 1,000 है, डिवाइड करेंगे 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 10%, तो 0.10। m कितना है, क्वार्टरली, तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 10। 1,000 डिवाइड करेंगे 1 प्लस 0.10 को 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो 0.025 आ जाएगा, 0.025 की पावर 40। तो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, 1.025 की पावर 40 करेंगे और 1,000 के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी $372। ठीक है, देखिए यही केस अगर फ्यूचर वैल्यू का होता तो हमारी फ्यूचर वैल्यू बढ़ रही होती। अगर हम जितनी नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड पर ईयर बढ़ाते जाएंगे फ्यूचर वैल्यू के केस में, तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू बढ़ती जाएगी,
और यही अगर रिवर्स करेंगे प्रेजेंट वैल्यू के सोच तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू कम होती जाएगी। इसी तरह से प्रेजेंट हम फाइंड करेंगे कंटिन्यूसली का, कंटिन्यूसली का फ्यूचर वैल्यू का जो फार्मूला है वो है प्रेजेंट वैल्यू इंटू ई की पावर आई मल्टीप्लाई बाई एन। लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, प्रेजेंट वैल्यू, तो उसका फार्मूला होगा फ्यूचर वैल्यू एन डिवाइडेड बाई ई की पावर आई मल्टीप्लाई बाई एन। तो फ्यूचर वैल्यू 1000 डिवाइड करेंगे ई की पावर 2.71828, फिक्स है एक्सपोनेंशियल, इंटरेस्ट रेट 10% तो 0.10, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 10। 1000 2.71828 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो डिवाइड करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी $368। ये हमारे पास जवाब आ जाएगा। एक आसान सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10, सिंपल आपने एनुअली क्वार्टरली और कंटिन्यूसली को फाइंड करना था। इसी तरह से मंथली भी कर सकते हैं, सेमी एनुअली भी कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।